I got this DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo as a birthday gift this year और मैंने इसकी unboxing slash first impressions video डाली थी and उस video पे मुझे आज तक इतने questions आ रहे हैं oh my god. तो अभी क्योंकि मुझे इसे use करते हुए 4 months से ज्यादा हो चुका है and I have been using it regularly like almost every day I have been using this camera. तो मैंने सोचा चलो let's make an updated video. आज मैं आप लोगों के साथ इस camera के बारे में वो सब चीजें share करूंगी जो मैंने पिछले 4 महीने में नोटिस करी है. आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, आई विल शेयर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कैमरा एंड एट द एंड आई लेट यू नो इफ दिस इज एक्चुअली वर्थ इट या बस इसका सिर्फ हाइप बन गया मार्केट में. तो यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड. बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक आउट अ मोमेंट, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन. नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इन टू द वीडियो. It's just too hot to keep my hair open. So anyways, first con is the composition of this camera. I'll attach a footage here. तो अगर आप देखो अभी this camera is at my eye level and look at this headroom. This is something that I absolutely don't like. क्योंकि अगर मुझे अपना video इस type में चाहिए I don't want more than this headroom. Either मुझे इसका lens इस तरीके से down करना पड़ता है and then it is like a very weird angle. और else मुझे इसे अपने eye level से नीचे रखना पड़ेगा which again is a very weird angle. So yes, that is something you have to keep in mind कि इसमें से जब भी आप video shoot करोगे in 2/3 part of the frame you will be there and 1/3 will be the headroom. So yeah, that is something I do not like. The second con is the gimbal. इसका gimbal जितना ही आपके लिए helpful और beneficial है उतना ही इसका gimbal कभी कभी headache हो जाता है because 4 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ. आई हैव टेकन इट आउट फॉर ट्रैवल व्लॉग्स. जब आप बाहर से व्लॉग वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे ऑब्वियसली यू नीड द गिम्बल एंड समटाइम्स द गिम्बल स्टार्ट्स एक्टिंग अप. मतलब अभी आई कैन नॉट शो यू बिकॉज अभी फिलहाल तो इट इज वर्किंग फाइन बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट जब मैं जयपुर में भी थी उस टाइम पे भी इसका जो गिम्बल है वो टेढ़ा हो गया था. सो वेन यू टर्न द कैमरा ऑन द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द गिम्बल इज सेंटर में, ठीक है, तो वो सेंटर से हटके वो साइड में चला गया. तो आई थॉट कि मे बी द कैलिब्रेशन इज यू नो गॉन रॉन्ग. तो मैं सेटिंग्स में जाके इसको कैलिब्रेट भी कर रही थी. आई ट्राइड डूइंग इट फॉर 5 times एंड इट डिड नॉट वर्क एंड आई वॉज लाइक सो वरीड. मतलब उसमें दिखा रहा था कि द कैलिब्रेशन इज सक्सेसफुल बट स्टिल इसका जो गिम्बल है वो साइड में ही चला गया था. तो दैट इज समथिंग दैट आई फेस ट्वाइस इन 4 months इटसेल्फ. वो अलग बात है कि थोड़ी देर मैंने इसको फिर रख दिया था डर के मारे एंड देन आई कैलिब्रेटेड इट अगेन एंड इट जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फाइन. सो द थिंग इज आई डोंट नो कि वो क्यों होता है एंड उसको कैसे फिक्स किया जाता है बिकॉज वो अपने आप ही हो गया था एंड देन वो अपने आप ही फिक्स हो गया था. सो दैट इज समथिंग दैट स्केयर्स मी अ लिटिल बिकॉज अगर एक बार गिम्बल आपका टेढ़ा हो गया देन वॉट आर यू गोइंग टू डू, राइट? सो दैट इज समथिंग आई एम जस्ट पुटिंग आउट दैट. सो नाउ इसका जो स्क्रीन साइज है नाउ दैट इज गुड बट देन द थिंग इज कि इसको भले ही आप रोटेट कर सकते हो बट यू कैन नॉट टिल्ट द स्क्रीन, यू नो, लाइक ऐसे आप टिल्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से मेरे DSLR की स्क्रीन हो जाती थी. सो नाउ इफ यू आर लाइक शूटिंग फ्रॉम दिस लेवल, ऐसे नीचे लेवल से, हाउ विल यू सी कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है? सो दैट इज समथिंग दैट गेट्स डिफिकल्ट एंड इवन इफ आप ऐसे ऊपर से कॉन्सर्ट्स वगैरह में कोई वीडियो ले रहे हो सो यू विल नॉट बी एबल टू सी कि स्क्रीन पे एक्चुअली चल क्या रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेल द स्क्रीन. नाउ दैट इज नॉट अ वेरी बिग ऑफ एन इशू बट स्टिल लाइक मुझे लगता है कि ये एक फीचर और होना चाहिए था. सो इनकेस यू नो दे कम अप विद अनदर वेरियंट ऑफ द ऑस्मो पॉकेट सीरीज आई थिंक एक टिल स्क्रीन वुड बी अ लिटिल मोर बेनिफिशियल. सो नेक्स्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स जो मुझे इसका लग रहा है इज that it has non-removable battery. इसको आपको ना चार्ज करना पड़ता है. चार्जिंग इज नॉट एन इशू, उसको मैं प्रोज में रखने वाली हूँ, उसके बाद में बात करेंगे. बट देन द थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बैटरीज डाई ओवर टाइम. लाइक इवन माई DSLR's बैटरी द ओरिजिनल वंस दे डाइड आफ्टर वॉट 3, 4, 5 years एंड द बैकअप वन जो मैंने ओरिजिनल नहीं मंगाई थी थर्ड पार्टी मंगाई थी वो भी 2 साल में इट डाइड. तो मुझे लगता है अगर इसमें एक रिप्लेसेबल बैटरी का ऑप्शन होता तो जब बैटरी इसकी खराब होती तो यू कुड हैव इजिली रिप्लेस द बैटरी. बट नाउ इफ द बैटरी डाइज और इफ द बैटरी यू नो
damages or anything, you'll have to discard the whole device because aap iski battery nahi change kar sakte ho. So that is something that really bothers me in my head ki agar iski battery chali gayi to ye pura hi chala jayega. Now that to I need to figure out ki kitne time tak iski battery chalegi, that I don't know abhi, but I just hope it lasts me forever and ever. To isme basically yahan pe ek slider option hota hai and yahan pe joystick hoti hai. In dono se aap either of the two movements control kar sakte ho, ya to zoom ya to gimbal ka movement. So what I like and what I find is convenient for me is ki main is slider se zoom karna pasand karti hu and isse main apni joystick ko move karna pasand karti hu. But sometimes all of a sudden apne aap hi without me even touching the settings apne aap hi ye switch ho jata hai without even letting me know. So when I'm shooting and I want to zoom, gimbal starts moving and I'm like ये क्या हुआ. सो फिर सेटिंग्स में जाके आई चेंज इट अगेन. अभी मैंने इसका कोई पैटर्न नोटिस नहीं किया है कि ये कितने टाइम में अपना आप हो जाता है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन 4 मंथ्स कि ये होता है, ये अपने आप गिम्बल कंट्रोल करने लग जाता है और ये जूम पे चले जाता है, देन मुझे सेटिंग में जाके इसको दोबारा चेंज करना पड़ता है. दैट इज रियली अनॉइंग. नेक्स्ट कॉन जो मुझे लगता है, नाउ यू गाइज नो कि क्रिएटर कॉम्बो में काफी सारी चीजें आती है, वो अनबॉक्सिंग में आप लोगों ने देखा होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें एक वाइड एंगल लेंस आता है, इस तरीके से मुझे लगता है दे शुड हैव गिवन एन एनडी फिल्टर आल्सो. अब एनडी फिल्टर आई होप यू गाइस नो कि वो सनलाइट में शूट करने का काम आता है, क्योंकि सनलाइट में जैसे कई बार आपकी फुटेज जो है वो ओवर एक्सपोज्ड दिख जाती है सर्टेन एरियाज में, सो एनडी फिल्टर्स हेल्प विद दोज. तो मुझे लगता है कि इनको इसमें बिल्ट इन देना चाहिए था विद द लेंस और मे बी विद द वाइड एंगल लेंस, क्योंकि इवन इफ आई बाय लाइक अ थर्ड पार्टी एनडी फिल्टर, तो वाइड एंगल अगर मैंने लगाया है तो उसके बाद मैं एनडी फिल्टर नहीं लगा पाऊंगी. सो आई थिंक कि दैट शुड हैव बीन यू नो इंक्लूडेड इन द क्रिएटर कॉम्बो. नाउ दैट इज नॉट अ लाइक अ वेरी बिग कॉन, बट दैट इज जस्ट समथिंग दैट आई फील कि एनडी फिल्टर एक इसमें क्रिएटर कॉम्बो में होना चाहिए. अनदर कॉन जो आई रियली वॉन्ट कि आगे के जो फर्मवेयर अपडेट्स हैं उसमें काश हो जाए, इज दैट आई रियली 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 इंजॉय द फेस ट्रैकिंग इसमें. सो इफ आई लाइक टैप ऑन माई फेस द एक्टिव ट्रैक इनेबल्स. अब मैं कैमरा को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लू, इट विल ट्रैक माई फेस. तो ये मुझे फीचर काफी ज्यादा पसंद है, बट द थिंग इज कि ये फीचर आपको सिर्फ नॉर्मल वीडियो मोड में ही अवेलेबल मिलेगा, बट लो लाइट में, स्लो मोशन में और भी जो इसके डिफरेंट मोड्स हैं उसमें फेस ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है. दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट कि ये फीचर होना चाहिए. स्लो मोशन में ना भी एक बार को आए, बट लो लाइट में जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज इफ आई एम शूटिंग आई एम व्लॉगिंग, तो नॉर्मल उसमें तो फेस ट्रैक कर रहा है, तो जब मैं चल रही हूँ तो इट गेट्स वेरी कन्वीनियंट, बट लो लाइट में अगेन वो सेटिंग नहीं रहती है, तो मुझे कंटिन्यूअसली अपनी स्क्रीन पे देखना पड़ता है टू सी इफ माई फेस इज इन द फ्रेम और नॉट. अनदर कॉन विच कैन बी अ बिग वन फॉर अ लॉट ऑफ यू इज दैट दिस डिवाइस इज नॉट वेदर रेजिस्टेंट, इट इज नॉट वाटर प्रूफ, नॉट इवन वाटर रेजिस्टेंट. तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इवन इफ देर इज अ मिस्ट, रेन, पानी के आसपास इस डिवाइस को मत लेके जाना, बिकॉज ये खराब हो जाएगा. वाटर प्रूफ तो छोड़ो, वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है. सो आई जस्ट गेट अ लॉट कॉशियस इसको पानी के आसपास भी रखने में, बिकॉज मुझे डर लगता है, बिकॉज इट हैज लाइक अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स. यहाँ पे इसके माइक की ओपनिंग है, देन यहाँ पे इसके चार्जिंग की ओपनिंग है, तो अगर किसी में भी पानी चला गया तो ये डिवाइस खराब हो जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट वेदर रेजिस्टेंट. अनदर कॉन विच इज लाइक अ रियली बिग वन फॉर मी इज कि इसकी वीडियोज बहुत बार करप्ट हो जाती है. I don't know why. I still haven't figured out a reason. एक reason मुझे जो समझ में आया is कि जब आप video start करते हो and then आप stop करते हो तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ seconds के लिए ऐसा loading का जैसा दिखता है. अगर वो loading complete होने से पहले आप screen off कर दो तो वो वाला file corrupt हो जाता है. But a lot of times ऐसा ना करके भी, like मैंने screen बंद नहीं किया है, but फिर भी मेरी videos इसमें काफी बार corrupt हुए हैं and ऐसे line से 5-6 files corrupt हो जाती है. Specially vlog में बहुत दिक्कत पड़ जाती है, बिकॉज लाइक मैं तो व्लॉग कर रही हूँ सारे बिट्स एंड आई डोंट कीप चेकिंग कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, एंड देर आर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जो आप रिकैप्चर नहीं कर सकते हो, एंड अगर वो फाइल करप्ट हो जाती है सो देन
योर वीडियो गेट्स स्पॉइल्ड. सो आई डोंट नो कि वो क्या इशू है एंड आई होप कि वो आगे के फर्मवेयर अपडेट्स में इशू जो भी है वो रिजोल्व हो जाए, बिकॉज फाइल्स गेटिंग करप्टेड इज जस्ट समथिंग आई हेट, बिकॉज बहुत इट जस्ट यू नो मूड खराब हो जाता है, पूरा पूरा आपकी मेहनत खराब हो जाती है. सो या दैट इज समथिंग आई हैव नोटिस. सो दीज वर ऑल द कॉन्स जो मैंने पिछले 4 महीने में इस कैमरा को यूज करते करते फेस किए हैं, बट इट इज नॉट ऑल बैड. आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, क्योंकि अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हो सो येस दीज आर द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू कीप इन माइंड. नाउ कमिंग टू द प्रोज, इसके काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं. आई एब्सोल्यूटली लव दिस कैमरा बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज सुपर कन्वीनियंट एंड हैंडी. पिछले 4 महीने से इफ यू गाइज हैव नोटिस दैट आई हैव बिकम अ लॉट मोर कंसिस्टेंट, एंड मैं उसका पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली अपने हार्डवर्क और इस कैमरा को दूंगी, बिकॉज मेरा सेटअप बहुत बल्की हुआ करता था. आई हैड टू सेटअप लाइक अ रिंग लाइट, देन DSLR, उसके लिए ट्राईपॉड, फिर उसको हटाने में आधा घंटा लगता था, तो मेरा 1 घंटा सेटअप करने और करने हटाने में लग जाता था. बट विद दिस आई जस्ट सिंपली यू नो माउंटेड ऑन दिस क्यूट लिटिल ट्राईपॉड, एंड मैं इस साइड टेबल के ऊपर अपना कैमरा रखती हूँ, मैं यहाँ बेड के साइड पे बैठती हूँ, एंड आई जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग. लाइक इट इज दैट सिंपल, एंड इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है, बिकॉज अगर मैं पहले शूट करती थी तो मेरे लॉन्ग फॉर्म शूट डेज अलग होते थे, शॉर्ट फॉर्म शूट डेज अलग होते थे, बिकॉज यू नो DSLR को मुझे पूरा ट्राईपॉड पैसा वर्टिकल रखना पड़ता था एंड हॉरिजॉन्टल रखना पड़ता था फॉर द लॉन्ग फॉर्म. इसमें इतना कन्वीनियंट है कि कैमरा रखा हुआ है, आई जस्ट हैव टू फ्लिप द स्क्रीन और वो स्विच हो जाता है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल. सो दैट इज सुपर 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 कन्वीनियंट. लाइक फॉर क्रिएटर्स दिस कैमरा इज सच अ हैंडी टूल, आपको ज्यादा बल्कि सेटअप की जरूरत ही नहीं है. इसके साथ आई हैव नोटिस कि आपको बहुत ज्यादा लाइट्स की भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर शूटिंग यू नो इन फ्रंट ऑफ अ बालकनी और अ विंडो, तब तो आपको आर्टिफिशियल लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एंड वैसे भी मेरे पास एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, उस लैम्प को मैं ऑन करती हूँ एंड इट इज जस्ट sufficient. So I just am enjoying how convenient this camera is, and also because it is like such a small size, like literally it fits in my hand like this. बहुत छोटा साइज है, तो अगर आप व्लॉग कर रहे हो ना उस टाइम पे भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज लाइक इफ यू गेट अ लिटिल ऑकवर्ड व्लॉगिंग इन पब्लिक, द कैमरा का जो लेंस है वो भी काफी वाइड है, सो यू जस्ट यू नो होल्ड इट लाइक दिस एंड यू आर टॉकिंग, तो उतना ज्यादा पब्लिक में सब विजिबल एंड यू जस्ट डोंट फील दैट ऑकवर्ड. सो दैट इज समथिंग आई अगेन रियली लाइक. सो द नेक्स्ट थिंग इज इमेज क्वालिटी. अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू गाइज नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद माई फुटेज क्वालिटी, माय वीडियो क्वालिटी, बिकॉज मुझे नहीं पसंद लो क्वालिटी में वीडियो बनाना, बिकॉज आई वॉन्ट की इवन इफ फॉर अ लिटिल टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियोज इट शुड बी अ गुड एक्सपीरियंस. सो आई हैव ऑलवेज केप दैट इन माइंड, एंड अगर आप मेरी पहली भी वीडियो उठा के देखोगे इट इज लाइक शॉर्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड माई केपेबिलिटी. तो वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर इस कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती इन डिफरेंट लाइट सेटिंग इट वुड हैव बीन अ टर्न ऑफ फॉर मी ऑनेस्टली, बट इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है. इवन लो लाइट में इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है कि मैं क्या बताऊं. यू जस्ट पिक आउट एनी ऑफ माई व्लॉग्स आफ्टर मार्च एंड उसमें आप देखो कि नाइट सेटिंग्स में भी मैंने शूट किया हुआ है एंड क्या क्वालिटी आई है लो लाइट में भी. आई जस्ट एब्सोल्यूटली लव इसकी क्वालिटी. मुझे सारी ही फॉर्म ऑफ वीडियोज में इस कैमरा को यूज करना बहुत ही पसंद आता है. अनदर प्रो इज डेफिनेटली द अटैच्ड गिम्बल. इट इज नॉट वेरी चीपली बिल्ट एंड ऑल्सो इसमें क्योंकि गिम्बल अटैच्ड है तो आपकी जो फुटेज है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ आती है. वेन यू व्लॉग विद योर फोन आपका हाथ हिल रहा है बिकॉज यू आर मूविंग कंटिन्यूअसली, सो उसकी वजह से काफी ज्यादा रोलिंग शटर आता है, वो इसमें आपको फेस करने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द अटैच्ड गिम्बल. सो द फुटेजेस आर रियली रियली स्मूथ, स्पेशली व्लॉग्स में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है. सो दैट अगेन आई रियली लाइक. नेक्स्ट इज द बैटरी. जैसे कि मैंने बोला था कि उसको मैं प्रोज में रखूंगी. व्हाई इज इसको यहां से आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है. इट्स बैटरी लास्ट अ लॉन्ग टाइम. लाइक मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स में कि इसकी बैटरी कितनी चलती है, कितनी चलती है, कितनी चलती है. अब मैंने इसको एक जगह पे ना लगा के नहीं देखा है कि कंटिन्यूअसली कितना चलता है, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि जैसे मैं व्लॉग्स जब कर रही थी, जब मैं ट्रैवल पे भी गई थी, तो मुझे एक पूरे दिन में इस कैमरा को सिर्फ एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ी थी एंड नॉट मोर देन दैट.
एंड जब मैं इंडोर अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मतलब अपना नॉर्मल सिट डाउन यूट्यूब कंटेंट शूट करती हूँ, मैं इस कैमरा को कभी आज तक मैंने इसको ना पूरे दिन में दूसरी बार चार्ज नहीं किया है। मैं अपने शूट स्टार्ट करने से पहले इसको चार्ज कर लेती हूँ एंड एक ही गो में लाइक आई बैच माई कॉन्टेंट। सो आई शूट लाइक 7-8 रील्स एंड कपल ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज एंड इसकी बैटरी नहीं खत्म होती है इतने सारे देर में भी। सो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो दैट द बैटरी लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इवन इफ द बैटरी डाइज, लाइक इवन इफ इट डाइज इन द मिडल ऑफ योर शूट, आप सिर्फ 15 मिनट का यू नो वॉशरूम ब्रेक ले लो, खाने का ब्रेक ले लो, हल्का सा ब्रेक लो एंड 15-20 मिनट्स में इसकी बैटरी फुल रेडी हो जाती है बिकॉज इसकी सुपर फास्ट चार्जिंग है। सो अगेन दैट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट कि अगर आप ट्रैवल पे भी कहीं गए हो तो आप इसका जो बैटरी हैंडल है इसको 100% चार्ज करके ले जाओ, यू जस्ट प्लग इट इन एंड शूट करते करते भी यू कैन यू नो चार्ज दिस डिवाइस एंड देन इसको आप चार्ज पे लगा दो फिर इससे चार्ज कर लो यू नो। सो इट जस्ट गेट्स वेरी कन्वीनियंट। मेरे को अभी तक इसमें ऐसा इश्यू नहीं आया कि अरे यार बैटरी खत्म हो गई तो अब मुझे रुकना पड़ेगा। द बैटरी लाइफ एंड द चार्जिंग प्रोसेस इज जस्ट सो गुड, आई एब्सोल्युटली लव दैट फीचर अबाउट दिस कैमरा। अनदर थिंग इज द केस, मुझे केस काफी पसंद आता है। अभी काफी लोगों को ये केस ना पता नहीं क्यों ऐसा बल्कि लगता है, मुझे नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस केस में जब इसको रख देती हूँ ना उसके बाद मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती बिकॉज इट इज सच अ गुड हार्ड कवर कि ये मेरे से कवर के साथ गिर भी गया है एक दो बार बट इसको कुछ भी नहीं हुआ। द कवर इज रियली रियली गुड। यहाँ पे आप माइक भी अटैच कर सकते हो। सो नाउ व्हाइल इट प्रोटेक्ट्स द कैमरा साथ ही साथ इसके अंदर आप इसकी सारी एक्सेसरीज एक ही प्लेस में रख भी सकते हो। यहाँ दो मैग्नेट्स हैं तो यहाँ पे आप माइक का मैग्नेट और यहाँ पे आप अपना वाइड एंगल लेंस लगा सकते हो एंड देन टॉप में यू कैन इवन अटैच योर माइक। यहाँ पे स्पेस दे रखे माइक के लिए भी। दैट गेट्स रियली रियली हैंडी। इसके साथ की जितनी भी एक्सेसरीज है आप सारी एक ही जगह पे रख सकते हो एंड देन सारा कुछ एक साथ सेटअप करके यू कैन जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट एंड यू डोंट नीड टू कैरी दिस पाउच अलोंग विद यू। सो दैट गेट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड हैंडी। अनदर प्रो ऑफ दिस कैमरा इज इनका जो ऐप है DJI मिमो ऐप। आई डोंट नो एंड्रॉयड में अवेलेबल है कि नहीं, होगा आई एम नॉट श्योर। मेरे पास आईफोन है, इसमें अवेलेबल है एंड द ऐप इज सो स्मूथ कि मैं क्या बताऊं। निकॉन का भी WMU ऐप है, DSLR से मैं अपने फोन पे कनेक्ट करती हूँ एंड मैं डाउनलोड करती हूँ। इट हैंग्स सो मच, कितनी बार वो ऐप हैंग हो जाता है। एक वीडियो डाउनलोड करो ऐप बंद हो जाता है, फिर दूसरी वीडियो के लिए दोबारा करो, तो इट वॉज जस्ट अ हेडेक। इसके साथ साथ बिल्कुल भी नहीं है, इसका ऐप इतना स्मूथ फंक्शन करता है। एक तो आपको लाइव व्यू देखने को मिल जाता है फोन में, तो आप अपने कैमरा को फोन से कनेक्ट कर सकते हो एंड वहां से भी आप अपना फोकस या वीडियो स्टार्ट करना, वीडियो स्टॉप करना, वो सब यू नो कर सकते हो। सो दैट गेट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वीडियोज डाउनलोड वगैरह करने के लिए लाइक इफ यू आर लाइक अ कॉन्टेंट क्रिएटर तो ये चीज ना काफी अच्छी रहती है दैट यू कैन शूट इन 4K एंड तुरंत लाइक लिटरली इन सेकेंड्स आप अपनी वीडियोज या फोटोज ट्रांसफर कर सकते हो अपने फोन में एंड देन यू कैन uploaded on your Instagram or maybe you know any other app that you use. So that gets very very convenient कि आप एकदम seconds में सारा data अपने phone में transfer कर सकते हो and the app experience is super super nice. Another thing is the audio quality. Now एक बार कोई video quality थोड़ी खराब भी हो तो चलता है, but अगर audio quality खराब है तो video start होते ही लोग नहीं देखते, like मैं तो नहीं देखती हूँ। अगर audio quality खराब होती है तो I don't enjoy the experience. एक तो इसका built-in जो audio है वो ही बहुत अच्छा है, प्लस इसके साथ ये माइक आ जाता है वो तो एक्स्ट्रा कन्वीनियंट हो जाता है। मुझे इसकी इतनी सारी चीजें पसंद है। एक तो इस माइक को मैं सिर्फ कैमरा के साथ नहीं किसी भी और डिवाइस के साथ यूज कर सकती हूँ, जैसे अभी मैंने इसको अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है एंड आई एम रिकॉर्डिंग द ऑडियो ऑन दिस, सो इट गेट्स सो कन्वीनियंट। प्लस मैं इस माइक के आपको थोड़े बेनिफिट्स बता दूं तो यहां से यू कैन यू नो रिकॉर्ड स्टैंड अलोन, लाइक आपको पॉडकास्ट करना है या आपको कहीं भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू वीडियो डिवाइस, सीधे इसमें डायरेक्ट ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। को आप एक शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो विद दिस, यू कैन पॉज योर वीडियो विद दिस, सो अगेन दैट गेट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। तो ये डिवाइस ऑल इन ऑल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। प्लस इसमें डेड कैट भी आती है तो जितनी भी विंड नॉइस है वो रुक जाती है। लाइक मैंने तो बाहर व्लॉग किया इसमें इन एक्सट्रीम कंडीशन, अगर आप मेरा जयपुर वाला व्लॉग देखोगे आपको वीडियो में ना लिटरली पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बुरी आंधी चल रही थी, वहां पे हम लोग उड़ने को तैयार थे एंड इसके वजह से बिल्कुल विंड का नॉइस नहीं आया था, तो दैट आई रियली लाइक। एंड द लास्ट
लास्ट प्रो दैट आई हैव इज द ऑटो फोकस. अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें एक प्रोडक्ट शोकेस का ऑप्शन है, जिसको अगर आप ऑन कर देते हो एंड यू ब्रिंग एनी प्रोडक्ट नियर दिस कैमरा तो तुरंत फोकस कर लेगा. बट अभी इफ आई शो यू तो मेरा जो प्रोडक्ट शोकेस है ना वो ऑफ है, बट स्टिल लुक एट द फोकस शिफ्ट. लाइक इट इज सुपर फास्ट. जैसे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है. एंड यू नो फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस आप ब्लॉग कर रहे हो तो भी आपको ऑटो फोकस की जरूरत रहती है, वरना कहीं पेड़ पे फोकस शिफ्ट हो गया तो यू विल बी ब्लर्ड. तो इस चीज के लिए ऑटो फोकस काफी काम आता है. मेरे DSLR में मुझे यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती थी कि उसमें ऑटो फोकस नहीं था, तो मुझे बार बार अपने प्रोडक्ट्स पे मैन्युअली फोकस करना पड़ता था एंड देन अपने शक्ल पे भी मैन्युअली फोकस करना पड़ता था. उसका ऑटो फोकस वॉज नॉट गुड एट ऑल, बट इसका ऑटो फोकस इज सो गुड. मुझे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है शूट करने के लिए. सो या दीज वर ऑल द कॉन्स एंड द प्रोज. आई होप मैंने आपके सारे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आंसर कर दिया आज की वीडियो में. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा. अगर अभी भी आपके इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बचे हैं सो ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम फॉर यू. एंड या अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल दिस स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय.